दिल्ली में रहने वाली झरना खातून अपना काम शुरू कर रही हैं। उनके पास अपनी ही मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यानी MRF है। कुछ साल पहले तक वो पूरे साल सड़कों से कचरा बीनती थीं। अब अपना बिजनेस होने से वो बहुत खुश हैं। इस MRF से ये फायदा हुआ, बरसातों के टाइम में बारिश से बचाव और काम हमारा लगातार चलते रहते हैं, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो चाहे ना हो, मगर काम चलते रहते हैं। लेकिन अपना MRF शुरू करने के लिए उन्होंने काफी कुछ सीखा। कचरे की छंटाई से लेकर रिसाइकलिंग करने वालों की तलाश और बिजनेस पार्टनरों के साथ मोल भाव करने तक चिंतन ने उन्हें ये गुर सिखाए। ये पर्यावरणीय NGO लोगों को खतरनाक रोजगार से मुक्ति दिलाकर सस्टेनेबिलिटी और सामाजिक न्याय के लिए काम करता है। झरना खातून के नए काम ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। पहले ना पैसा मांगना पड़ते थे घर में, हस्बैंड से चाहे किसी से भी, मतलब सोच समझ के खर्चा। अब सबसे ये है कि मैं खुद अपने काम करती हूँ, खुद बिजनेस करती हूँ, किस तरह से अपने पैसा बचाना, घर की खर्चा, ये सब में बदलाव आए। झरना हर महीने करीब 10,000 रुपये कमा लेती हैं। वो उन 50 लोगों में से हैं जो पहले कचरा बीनते थे लेकिन अब इस तरह आजीविका कमा रहे हैं। यानी वो और उनके सहकर्मी हर एक अर्थव्यवस्था का हिस्सा हैं। पर्यावरणीय सुरक्षा, संसाधनों का टिकाऊ इस्तेमाल और अक्षय ऊर्जा, ये तमाम क्षेत्र रोजगार के नए अवसर खोलते हैं। जानकार मानते हैं कि भविष्य में भारत को इन नौकरियों के लिए और भी बहुत सारे कामगारों की जरूरत होगी। हमारा अनुमान है कि पवन और सौर सेक्टर में करीब 10 लाख लोग काम करते हैं। 2030 तक करीब 35 लाख नौकरियां और हो जाएंगी। महेंद्र MV ने इंजीनियरिंग करने के बाद ऊर्जा प्रबंधन में भी अतिरिक्त योग्यता हासिल की। आज वो दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में बतौर सलाहकार काम करते हैं। अस्पताल की ऊर्जा खपत बहुत ज्यादा है। चिलर प्लांट में वो कई बदलावों का इंतजाम करते हैं जिससे आगे चलकर ऊर्जा की काफी बचत होगी। इमारतों के ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में कुशल कामगारों की जोरदार मांग है। डेटा विश्लेषण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हरित ढांचे खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए खास ट्रेनिंग चाहिए। आरती राजपूत दिल्ली के वन विभाग में काम करती हैं। उन्होंने NGO वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड में एक राज्य वित्त पोषित ट्रेनिंग प्रोग्राम से योग्यता हासिल की है। आज वो दिल्ली के मशहूर लोदी गार्डन्स में एक इलाके की मैपिंग कर रही हैं। इससे वो तय कर पाएंगी कि किसी पौधे या जीव के लिए सबसे बढ़िया बसाहट कौन सी है, लेकिन उनका ज्ञान दूसरे क्षेत्रों में भी उपयोगी है। मैंने सघन वन क्षेत्र में एक रिमोट सेंसिंग टूल इस्तेमाल किया। इससे पता चलता है कि सड़कें कहाँ निकल रही हैं, जल संसाधन कहाँ कहाँ मौजूद हैं और आग लगने जैसी स्थिति में पानी कहाँ मिल सकता है। दिल्ली में बहुत सारी विकास परियोजनाएं हैं। मुझे चेक करना होता है कि वे वन क्षेत्र में आ रही हैं या नहीं। ये अतिरिक्त प्रशिक्षण आरती के काम आया। उस समय जी अरिंदन उनके ट्रेनिंग ऑफिसर थे। वो बताते हैं कि ऐसे प्रोग्राम 2/3 से ज्यादा प्रतिभागियों को रोजगार दिलाने में मदद करते हैं। ज्यादातर लोग रिसर्च में गए हैं, कई लोग टेरी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में हैं, कई प्रोजेक्टों में WWF शामिल है, बहुत सारे शोध संस्थान और वन विभाग भी जुड़े हैं। ये लोग खासकर इन्हीं जगहों पर काम करते हैं। ये बर्ड वॉचर संरक्षित क्षेत्रों में गाइड भी बनते हैं। ऊर्जा के नए स्रोत श्रम बाजार में अपने साथ नई चुनौतियाँ लाते हैं, तो नई चीजें सीखने को तत्पर कामगारों को नौकरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य में उनके पास बहुत सारे अवसर होंगे।